हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो जैसे कि आज हम लोग जीके का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए है। वैसे तो मैं ओनली फॉर अभी एमआर के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस एयरफोर्स के भी लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो मुझे भी लगा कि चलिए इसमें भी इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना कि हर एग्ज़ाम में हर बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या नेवी का एग्ज़ाम हो, एक नंबर का ये फिक्स रहता है कि हर एग्ज़ाम में ये आता है। ठीक है, तो आप लोग इसे रट्टा मार लेना है। और जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, परसों भी नहीं किया, तो उसके लिए तो मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कल और परसों मुझे थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उस कारण से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। ठीक है, और थोड़ा सा अभी मैं ठीक था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रट्टा मार लेना है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा इन सारे क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात मैं बता दूँ कि अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे आप लोग जाके फॉलो भी कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो वहाँ पे भी आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी मेरा टॉपिक है। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चंस में है कि मतलब कि ये जो क्वेश्चंस है ना कि राजधानी से रिलेटेड है, यानी कि ये क्वेश्चंस एक नंबर का तो भाई हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि एमआर में आप लोग इस बार देखे ही होंगे कि एग्ज़ाम में राजधानी से एक नंबर का प्रश्न बन रहे थे। तो मुझे भी लगा कि एमआर के लिए अभी जो नेक्स्ट जो हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ये अगर आप लोग रट्टा मार लेंगे ना तो एक नंबर का आपके आपके लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं जो भी आज का क्वेश्चंस है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक साइड में आपको पूरा देश का नाम दिया गया है और इधर पूरा राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस में है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की जो राजधानी है वो तो नई दिल्ली है, ये सब लोग को पता होगा। जितने भी भारतीय लोग होंगे उन लोग को तो करीब करीब सब लोग को पता है कि भारत की राजधानी जो होती है वो नई दिल्ली होती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू में है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की हो गई काबुल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की जो राजधानी हो जाएगी थिम्पू हो जाएगा, भूटान की जो राजधानी होता है थिम्पू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की जो राजधानी होता है इस्लामाबाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका की अब पूछ रहा है। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ होता है, तो श्री जयवर्धने कोटे, ये श्रीलंका की राजधानी हो जाता है। उसके बाद में कह रहा है नेपाल की राजधानी, तो नेपाल का जो राजधानी होता है काठमांडू होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार की जो राजधानी होती है वो है नाव पी ताओ। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीन की, तो चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, ठीक है, चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस में है कि सऊदी अरब, जो सऊदी अरब है उसका राजधानी कहाँ है। तो सऊदी अरब का जो राजधानी है वो है रियाद। ठीक है, उसके उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस में है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। क्योंकि ये जो राजधानी से जो प्रश्न है ना, क्योंकि ये 100% एकदम है कि एक नंबर का किसी भी एग्ज़ाम हो, नेवी का एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, अगर इसमें राजधानी से अगर आ गया तो इसमें से ही आपको आएगा। ये नहीं कि मतलब कि साइड से दिया जाएगा, एकदम ये फिक्स रहता है कि एक नंबर का एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि आप लोग इस बार देखे भी होंगे कि एमआर का जो पेपर हो रहा था उसमें राजधानी से एक नंबर का हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा था। तो मुझे पता भी चल गया है कि कहाँ से आपको प्रिपरेशन करवाना है। और जैसे कि आप लोग कल भी वीडियो अपलोड नहीं किया तो पूछ रहे थे कि सर कल वीडियो नहीं डाला, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, जो भी है प्रिपरेशन करवाने का वो मेरा ऊपर आप लोग जिम्मेवारी छोड़ दो। ठीक है, बस आप लोग शुरू से अंत तक प्रिपरेशन जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको करो। ठीक है, अब ज़्यादा टेंशन मत लो, जो भी है मेरा मतलब कि मेरे को टेंशन ज़्यादा लेने दो, आप लोग मत लो। ठीक, उसके बाद देख लो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है
ब्यून्स, ठीक है, ब्यून्स आयर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बेल्जियम की जो राजधानी होता है वो ब्रुसेल्स होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आया था एमआर में कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कि बुल्गेरिया, ठीक है, तो इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका हो जाएगा सोफिया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ब्राज़ील की राजधानी, तो ब्राज़ील की जो राजधानी होता है ब्रासिलिया होता है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि कनाडा, तो कनाडा की राजधानी जो होता है वो होता है ओटावा, कनाडा की जो राजधानी होता है ओटावा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चंस में कि चिली, चिली की राजधानी कहाँ होता है, तो चिली की जो राजधानी होता है सेंटियागो में, सेंटियागो होता है चिली की राजधानी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ होती है, मॉरिशस की जो राजधानी होती है पोर्ट लुई होती है, मॉरिशस की राजधानी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूबा की, तो ये भी क्वेश्चन एमआर में आया था, क्यूबा की राजधानी हवाना, ठीक है, क्यूबा की जो राजधानी होता है वो होता है हवाना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ, तो चेक गणराज्य जो है इसका जो राजधानी होता है प्राग होता है, ठीक है, प्राग, प्राग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है कि डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो हो जाएगा कोपेन, ठीक है, कोपेन हेगेन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है कि मिस्र, मिस्र, मिस्र की राजधानी कहाँ है, मिस्र, तो मिस्र की जो राजधानी हो जाएगा काहिया, काहिरा, ठीक है, मिस्र की जो राजधानी हो जाएगा काहिरा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि फिजी की राजधानी कहाँ है, तो फिजी की जो राजधानी हो जाएगा सुवा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चंस में कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस की जो राजधानी होता है वो होता है पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस हो जाएगा। उसके बाद जर्मनी की राजधानी देख लीजिए, तो जर्मनी का जो राजधानी होता है बर्लिन होता है, बर्लिन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में है कि ईरान, तो ईरान की जो राजधानी हो जाएगा तेहरान हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन एमआर में पूछा गया था, ठीक है, इस बार ईरान का जो हो जाएगा राजधानी तेहरान हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इराक, तो इराक का जो हो जाएगा, इराक का जो राजधानी होता है बगदाद, बगदाद, ये तो सब लोग को पता होगा इराक से बगदाद। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसराइल की राजधानी, तो इसराइल की जो राजधानी है यरूशलम, यरूशलम होती है, इसराइल की राजधानी यरूशलम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, ये भी आया था क्वेश्चन एमआर में के एग्जाम में, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में कि जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, तो जॉर्डन की जो राजधानी हो जाएगा अम्मान हो जाएगा। ये तो देखिए ये भी क्वेश्चन से शायद आया था, मुझे कन्फ्यूज़न में, लेकिन शायद लग रहा है कि आया था क्योंकि मुझे देखा था क्वेश्चन में ये। उसके बाद देख लीजिए दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी होता है वो होता है सियोल, ठीक है। जितने भी लगभग मैंने 27 आपको ये करवाया, अगर ये आप लोग कर लेते हैं एक नंबर का आपका फिक्स हो जाता है, किसी भी एग्जाम हो, एयरफोर्स हो या आपकी एमआर का एग्जाम हो, नेवी का या कोस्ट गार्ड का हो, ये एक नंबर का तो फिक्स ही हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा सारा, पता सारा चीज़ पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे कि आप लोग के लिए मैंने देखिए प्लेलिस्ट में भी वीडियो आप लोग के लिए बना दी है, वहाँ पे आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में जो भी है वहाँ पे सारा, मतलब कि साइंस से भी, जीके से भी और मैथ से भी उसको बना दिए हैं, उसको आप लोग जाके देखिए, मतलब कि हर एक वीडियो को देखिए, जाइए, अगर उसमें कोई मैथ में डाउट रहता है या जीके में डाउट रहता है या साइंस में डाउट रहता है तो आप लोग जाके पूछिए, ये मतलब सोचिए कि मतलब कि कैसे पूछे, तो आपको मैंने बताया ना कि जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, वो लिंक में जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद जो भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे फ़ोटो खींचिए, और फ़ोटो खींच के आप क्या करो कि फ़ोटो खींच के उसके बाद मतलब कि मेरे ऊपर सेंड कर दो, मैं आपको जो भी मतलब कि आपको प्रॉब्लम होगा मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा।
इससे तो कोई और आसान तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो जाके फॉलो करो, और उसके बाद अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना भी चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाकर जुड़ लो। और हो सकता है तो कल आपके लिए एक और करंट अफेयर्स की वीडियो जाएगी, और मैथ के भी कल हो सकती है तो पक्की जाएगी, और जैसी रही तबीयत मेरी तो उसके अनुसार देखूंगा कल। ठीक है, तो यही कुछ आप लोग को बताना था बस, और कुछ तो डाउट तो रहा नहीं, मतलब कि अगर देखिए, हाँ एक और चीज़ कि कल मैं लाइव हो सकता हूँ, तो मतलब कि 6:30 बजे करीब मैं लाइव आऊँगा, तो आप लोग आ जाना करीब करीब सब लोग, और वहाँ पे सारे भी आपको जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो बस यही कुछ आप लोग को बताना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।